नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जाधव और आज आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग अल्कलाइन वाटर बाथिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नहाने के लिए क्या हम लोग अल्कलाइन वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्कलाइन वाटर जो है बेसिकली जो हम लोग बोरवेल का पानी लेते हैं या फिर किसी कुएं का पानी होगा, तो वो जो होता है काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड यानी कि उसके अंदर जो है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। तो अभी मेरे पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसका TDS है अराउंड ये 101 × 10 दिखा रहा है, यानी कि ये ऑलमोस्ट 1000 TDS का पानी है। तो दोस्तों, हम लोग चेक ये करेंगे कि जैसे TDS ज़्यादा है तो इसका हम लोग pH चेक करेंगे। तो ये कैसा पानी है तो हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये अराउंड 7 to 7.5 pH का पानी है। तो यानी कि ये पानी जो है ये इसका pH जो है अराउंड 7 to 7.5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्कलाइन नहीं है, इसका TDS ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये पानी जो है ये न्यूट्रल और नियर टू न्यूट्रल 7.5 pH का पानी है। तो इस पानी से आज मैं नहा आया था, तो ये पानी ने क्या कर दिया, मेरा जो स्किन है पूरा ड्राई कर दिया था, बिकॉज इस पानी के अंदर जो है TDS ज़्यादा है, जिसने क्या किया मेरे जो स्किन में से जो है सारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये पानी जो है इसका pH जो है वो 7.5 है, फिर भी ये पानी हार्ड वाटर था। तो इस पानी की प्रॉपर्टी ये है कि ये फिजिकली हार्ड है, यानी कि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रमाण ज़्यादा है। साथ ही साथ में ये अल्कलाइन नहीं है और ना ही ये एसिडिक, ये न्यूट्रल वाटर है। अराउंड ये कलर अगर हम लोग देखें तो ये 7 to 7.5 का पानी है। तो दिस इज नियर टू एसिडिक जो है, ये 6 to 7 के रेंज में पड़ता है, यानी कि एसिडिक और अल्कलाइन के बीच में न्यूट्रल वाटर हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इस पानी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं नहाने के लिए, तो इसमें pH का जो है इतना रोल नहीं है। वेरज जब pH आपका ज़्यादा होता है तो वाटर ऑलमोस्ट जो है खुद ही इतना अल्कलाइन रहता है कि वो सोपी बन जाता है, यानी कि थोड़ा सा जो साबुन के पानी जैसा लगने लगता है। वेरस ये जो पानी था ये काफ़ी हार्ड था, इसके अंदर साबुन का झाग बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेदर जो है बिल्कुल फॉर्म नहीं हो रहा था, जिसका कारण यही है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के अंदर जो होता है वो पानी में लेदर फॉर्मेशन यानी कि झाग होने नहीं देता है। तो अगर पानी का सॉफ्ट होना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, यानी कि हमारे बॉडी में अगर हम लोग हार्ड वाटर से नहाएंगे तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई होती रहेगी, आपको उसको मॉइस्चराइज करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप हाई TDS यूज़ करते हैं नहाने के लिए, नहाने के लिए आइडियल TDS क्या होना चाहिए, देखिए 100 to 150 TDS का जो पानी है वो आपके शरीर के स्किन को किसी प्रकार की हानि नहीं करेगा, यानी कि आपके हेयर में हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही साथ आपको जो स्किन का प्रॉब्लम है किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका पानी 100 to 150 TDS का होगा नहाने के लिए। उसमें लेदर फॉर्मेशन भी बहुत ही बढ़िया होगा। हार्डनेस की बात करें, जितना उसका हार्डनेस कम होगा उतना आपका पानी जो है उतना सॉफ्ट होगा। अगर हम लोग किसी वाटर सॉफ्टनर का पानी चेक करते हैं तो उसका हार्डनेस ऑलमोस्ट होता है 10 to 20 PPM, इतना कम उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम स्केलिंग होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से स्केलिंग भी कम हो जाता है और आपके स्किन के ऊपर जो है जो पानी का जो रिएक्शन कह सकते हैं, यानी कि स्किन को ड्राई करना, वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, pH का जो रोल है इतना आपकी स्किन के लिए, जो अगर आप एसिडिक वाटर लेंगे यानी कि 2 से 3 pH का एसिडिक वाटर लेंगे तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू योर स्किन, वो एक प्रकार का एसिड ही हो गया, और आप एसिड से अगर फेस वॉश करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। तो रिकमेंडेड क्या है जो बॉडी वॉश के लिए या फेस वॉश के लिए, 6.5 pH जो है, 6 to 6.5 जो pH का पानी होता है वो आपके फेस के लिए आइडियल है, आप वॉश कर सकते हो उससे फेस, यानी कि अगर आप RO वाटर यूज़ करते हैं
फेस वॉश करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो अगर आप बिस्लेरी यूज करते हैं, अगर आप कहीं कहीं दूसरी जगह पे अभी होटल में है मुझे उस बाल धोने हैं तो इस पानी से अगर आप बाल धोएंगे तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा। तो उस सिचुएशन में आप एक कीजिए, बिस्लेरी खरीद लीजिए, 1 लीटर की 2 लीटर की, आप उससे अपने बाल धो सकते हैं। अगर आपको लगता है पानी ज़्यादा हार्ड है तो आराम से आप बिस्लेरी से बाल धो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा आप बिस्लेरी से नहाएं, बट हमें जो है फेस वॉश करने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए आप बिस्लेरी का पानी इस्तेमाल कीजिए। बाकी पूरे बॉडी वॉश करने के लिए आप हार्ड वाटर ये इस्तेमाल किया तो बस एक कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम ले लीजिए, उससे आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपकी बॉडी पर लगा लीजिए ताकि जो मॉइस्चर जो है ये पानी से जो लॉस हुआ है वो आपका वो मॉइस्चर क्रीम से वापस आ जाए। तो जब भी हम लोग हार्ड वाटर, कभी भी हम लोग समुंदर के पानी में जाते हैं तो वो पानी काफ़ी हार्ड होता है, और वो अगर हम लोग कई समय बीच में या समुंदर के पानी में जाते हैं तो उसका सैलिनिटी इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक उस सलाइन वाटर में रहेंगे तो वो सलाइन वाटर आपके बॉडी में से जो है मिनरल्स हो या जो नॉर्मल वाटर है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर उसका इतना ज़्यादा होता है कि आपके बॉडी में से फ्लूइड्स जो है वो बाहर जाने लगते हैं, और कई बार जो है ज़्यादा देर तक समुंदर के पानी में रहने से हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम होने लगती, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो सेमी पेरिएबल है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है कुछ लेवल तक वो मतलब सहन कर सकती है, लेकिन आप ज़्यादा देर तक उसको समुंदर के पानी में रहेंगे तो किस प्रकार आपको तकलीफ होती है वो स्टार्ट होने लगती है। सिमिलरली आप अगर हार्ड वाटर से हमेशा से नहा रहे हैं तो आपको इतना डिफरेंस फील नहीं होगा क्योंकि आपका जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है वो उसको अडाप्ट हो चुकी है। लेकिन कहीं पे आप घूमने गए, कहीं बाहर गए और अचानक से आपका पानी हार्ड वाटर है तो आपको स्किन के प्रॉब्लम्स थोड़े से नज़र आने लगते हैं, यानी थोड़ा सा ड्राइनेस फील होता है, कहीं किसी किसी को पिंपल्स आ जाते हैं, किसी किसी को रैशेस आ जाते हैं, कोई कोई स्किन कलर जो है उसका डार्क होने लगता है पानी की वजह से, बिकॉज ऑफ चेंज इन वाटर, बिकॉज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है पानी के वो चेंज होने की वजह से आपकी स्किन जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आप कहीं थोड़े दिन के लिए बाहर गए हो तो साथ में अगर आपके पास टीडीएस मीटर हो, मैं हमेशा कैरी करता हूँ मेरे साथ में एक पोर्टेबल टीडीएस मीटर ताकि मैं पानी चेक कर लूँ, तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ अगर ये पानी का टीडीएस 100 तक होता तो मैं इसमें आराम से 100-150 तक होता तो मैं नहा लेता। तो मैंने जो मैं नहाया लेकिन सर जो धोया नहीं मैंने, इससे मैंने बिस्लेरी वाटर यूज़ किया और हैंड वॉश। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी प्रकार के वीडियोस रोज़ लाने की कोशिश करता रहता हूँ। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।